Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to start a new chapter, chapter number 4, basic geometrical ideas. So start karte hain with the question number 1. Fill in the blanks so as to make the following statements true. Sabse pehle to ye jo chapter ke hame kuch basic concepts hain wo pata hona bahut zyada zaruri hai. To is जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 4, इसका मैंने टेक्सचुअल एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है, वो भी इस चैनल पे अवेलेबल है. साथ ही साथ जो बेसिक कंसेप्ट हैं उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी ताकि आप वो वीडियोस देखें और आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए. ठीक है, तो आपको ये चैप्टर जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सो स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1. अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स. ठीक है, अब जो लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है? कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, लाइन सेगमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है. ठीक है, यानी कि दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, ये यहाँ एंड कर रहा होता है और यहाँ एंड कर रहा होता है. ठीक है, और इसको कुछ इस तरीके से नाम हम दे देते तो ये बन जाता है लाइन सेगमेंट ए बी. ठीक है, और जो लाइन सेगमेंट होता है इसका फिक्स्ड मेजरमेंट होता है. सो अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट. सो एक ये एंड पॉइंट हो गया, एक ये एंड पॉइंट हो गया. सो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे लाइन सेगमेंट्स के टू एंड पॉइंट्स. आंसर इज टू. देन नंबर 2, अ रे हैज़ डैश स्टार्टिंग पॉइंट. अब रे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो सेकेंड पॉइंट होता है वो एंडलेस होता है. ठीक है, यानी कि ये यहाँ से एंडलेस जा रही है. ठीक है, सो कितने स्टार्टिंग पॉइंट हो गए? एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 1. रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो सेकेंड एंड होता है वो एंडलेस होता है. ओके, देन नंबर 3, अ डैश डज नॉट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और एन एंड पॉइंट. अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता है और एंड पॉइंट भी नहीं होता है? ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लाइन. ठीक है, लाइन जो होती है, ठीक है, वो एंडलेस जाती है बोथ द डायरेक्शंस में. जैसे मैं यहाँ एक बनाऊँ लाइन, ये हो गई लाइन ए बी. ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड एंडलेस जा रही है और राइट साइड भी एंडलेस जा रही है, तो इसको हम कहेंगे लाइन. देन नंबर 4, अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ डैश. ठीक है, अब रे क्या हुआ? रे एक पार्ट होता है लाइन का. ठीक है, जैसे कि ये हम यहाँ से, मान लो यहाँ से मुझे एक रे डिनोट करनी है तो मैं यहाँ से रे डिनोट कर सकती हूँ ए बी. ठीक है, ए हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये बी जा रहा है एंडलेस. ठीक है, और अगर मैं इस लेफ्ट साइड अगर मैं लूँ तो यहाँ से भी हम ए बी रे इंडिकेट कर सकते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए होगा बट एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है. ठीक है, ये एंडलेस जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन में. ओके, सो अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन. देन नंबर 5, डैश लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट. यानी कि अगर एक पॉइंट गिवन हो तो इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? तो यहाँ से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं. कैसे? ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ये लाइन पास हुई है, ऐसे पास हुई. ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरीके से हम न्यूमरस लाइंस बना सकते हैं. ओके, सो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं. देन नंबर 6, इफ टू लाइंस कंटेंड इन द सेम प्लेन Do not intersect each other. They are called dash lines. अब देखो, हम यहाँ दो lines के बारे में बात हो रही है. ठीक है, एक ही plane पे दो lines बनाई गई हैं लेकिन वो एक दूसरे को intersect नहीं कर रही हैं. ठीक है, तो intersect नहीं कर रही हैं, ऐसे lines को हम क्या बोलेंगे? Parallel lines बोलेंगे, कुछ इस तरीके से. ठीक है, एक ही प्लेन पे दो लाइन हो गई और ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करती. पैरेलल लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं. ओके, सो आंसर इज पैरेलल. देन नंबर 7, अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ डैश. ठीक है, अब एक क्लोज फिगर यानी कि उसके सारे एंड्स क्लोज्ड हैं. ठीक है, सिंपल फिगर है. ठीक है, यानी कि नो कर्व्स और साथ ही साथ वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उनको पॉलीगॉन्स. ठीक है, सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है ट्राइंगल जिसमें सबसे कम साइड्स होती हैं, थ्री लाइन सेगमेंट से बना होता है, फिर फोर लाइन सेगमेंट से बना होता है स्क्वायर. ठीक है, देन फाइव लाइन सेगमेंट से बना होता है पेंटागॉन, इसी तरह से सिक्स लाइन सेगमेंट से बनता है हेक्सागॉन. नेक्स्ट नंबर 8, अ पॉलीगॉन ऑफ फोर साइड्स इज कॉल्ड. अब ऐसा एक पॉलीगॉन, ठीक है, यानी कि जो लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं ऐसे फिगर्स जिसमें फोर साइड्स हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? ज़रूरी नहीं है सारी साइड्स इक्वल हो या कोई दो साइड ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो. ठीक है, अब जैसे एक स्क्वायर है उसकी भी फोर साइड होती है तो वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है. रेक्टेंगल की भी फोर साइड्स होती हैं, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, सो अ पॉलीगॉन विथ फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. देन नंबर 9,
अब पेंटागॉन हैज डैश डायगोनल्स, अब पेंटागॉन के कितने डायगोनल्स होते हैं। सो पेंटागॉन के डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले पेंटागॉन बना लेते हैं। सी, पेंटागॉन की 5 साइड्स होती हैं, ये हो गया पेंटागॉन, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, जैसे ये हो गया फर्स्ट डायगोनल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, एंड देन दिस इज 5। तो पेंटागॉन के होते हैं टोटल 5 डायगोनल्स। देन अ पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड, थ्री साइडेड पॉलीगॉन कौन सा होता है, थ्री साइडेड पॉलीगॉन होता है ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है। देन नंबर 11, अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ डैश ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बात हो रही है कि एक सर्कल है, ठीक है, अब उसमें एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल के एंड पॉइंट्स को मीट कर रहा है, जैसे कि ये हो गया एक लाइन सेगमेंट, ये सर्कल के एंड पॉइंट्स को मीट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो गया हमारा कॉर्ड, इट इज़ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देन नंबर 12, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द नॉन एडजेसेंट वर्टाइसिस ऑफ अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड द डैश ऑफ द पॉलीगॉन। अब देखो कोई भी पॉलीगॉन ले लो, जैसे कि यहाँ पे हमने पेंटागॉन बनाया था, ठीक है। अब नॉन एडजेसेंट वर्टाइसिस, अब ये जो साइड्स हो गई ये कौन सी हो गई, एडजेसेंट साइड्स हो गई, और ये हो गई एडजेसेंट वर्टाइसिस, ठीक है। तो इनको छोड़ के जो लाइन सेगमेंट्स जॉइन करते हैं वर्टाइसिस को, जैसे कि ये जॉइन किया, ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, डायगोनल्स कहा जाता है, ओके। सो यहाँ आ जाएगा आंसर डायगोनल्स। देन नंबर 13, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे बात हो रही है जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, अब क्या बोला है कि एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि एक सेंटर पॉइंट, ठीक है, वो कोई भी सर्कल के एंड पॉइंट को मीट कर रहा है, यानी कहीं से भी, यहाँ सेंटर से लेके कोई भी एंड पॉइंट को मीट कर रहा है, तो ये लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, इस लाइन सेगमेंट को बोलेंगे रेडियस, ठीक है, यानी सेंटर से लेके जो सर्कल के एंड पॉइंट को टच करता है उसे कहा जाता है रेडियस। देन नंबर 14, इफ़ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इट्सेल्फ इट इज़ कॉल्ड अ डैश कर्व। अगर कोई भी कर्व उसको एक मतलब अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे सिंपल कर्व, ठीक है। अब जैसे कि ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम ये ले लें सर्कल, ठीक है, तो ये कहीं पे भी खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम सिंपल कर्व। देन नंबर 15, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ इट्स डायमीटर, यानी कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का कितना पार्ट होता है, हाफ पार्ट होता है। जैसे कि ये रेडियस हो गया, अब इसको फुल कर दो, ये बन जाता है डायमीटर, ठीक है। अब डायमीटर में कितने रेडियस होते हैं, 2 रेडियस होते हैं, यानी कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ पार्ट होता है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्प्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, इन्हें हमें कम्प्लीट करना है, और साथ ही साथ हमें ब्रैकेट्स भी दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है। सो नंबर 1 इज लाइन एक्स वाई इज रिटन एज, अब लाइन एक्स वाई को कैसे लिखेंगे, तो लाइन एक्स वाई को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये होता है रे और ये होता है लाइन सेगमेंट, और इसे इसको डिनोट किया जाता है एज लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई और उसके ऊपर इस तरीके के पॉइंटेड एरोज बना देंगे, ओके। सो दिस इज लाइन एक्स वाई। देन लाइन सेगमेंट एम एन इज रिटन एज, लाइन सेगमेंट कैसे लिखा जाता है, सिंपल एक प्लेन एक बार लगा देते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट का जो नेम होता है उसके ऊपर। सो दिस इज लाइन सेगमेंट एम एन, सो एम एन और उसके ऊपर एक बार बना दो। देन रे एफ जी इज रिटन एज, अब रे कैसे लिखा जाता है, तो रे इस तरीके से लिखा जाता है, ओके, एफ जी और उसके ऊपर बना दो एक रे, ठीक है। सो इसी से पता चलता है कि क्या जो यहाँ पे गिवन नेम दिया है वो रे है, लाइन सेगमेंट है या लाइन है। देन नंबर 4, एंगल डी सी बी इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एस, अब एंगल डी सी बी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जो सेंटर में हमें जो गिवन होता है, ठीक है, सेंटर में जो हमें नेम अल्फ़ाबेट गिवन होता है वही होता है हमारा एंगल, तो यहाँ पर बात हो रही है एंगल सी की, ओके। सो यहाँ पर शॉर्टकट में हम लिखेंगे एंगल सी।
देन डैश इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल एल एम एन. अब एल एम एन में वर्टेक्स क्या है, यानी कि कॉर्नर क्या है. जैसे मान लो यहाँ पे हम बना देते हैं एंगल, एंगल ये हो गया एल, ये हो गया एम और ये हो गया एन. तो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है एम. सो आंसर इज एम. देन डैश आर द आर्म्स ऑफ एंगल पी क्यू आर. अब एंगल पी क्यू आर बना लो, ठीक है. ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर, ठीक है. अब आर्म्स की बात हो रही है तो क्यू पी, ठीक है, और क्यू आर ये क्या है, एंगल के आर्म्स हैं, ठीक है. तो क्यू पी क्यू आर, ओके, फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सो क्यू पी एंड क्यू आर द आर्म्स ऑफ द एंगल पी क्यू आर. नेक्स्ट नंबर सेवन, लाइन सेगमेंट आर एम कैन ऑल्सो बी रिटन एज. अब जो लाइन सेगमेंट आर है, आर एम है जो है, उसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं. देखो ऑप्शन में क्या है, आर एम. अब इसके ऊपर हमें कोई सिंबल नहीं दिया तो ये तो गलत ऑप्शन है. ये हमें लाइन का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है. ये इस तरीके से लाइन डिनोट की जाती है और यहाँ पर हमें दिया है एम आर. तो आर एम को हम एम आर भी लिख सकते हैं, ठीक है. सो आंसर इज एम आर विद अ बार ऑन इट. देन नंबर एट, डैश हैज़ वन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है. अब इसमें से बताओ कौन सा वन स्टार्टिंग पॉइंट होगा किस में. सो वन स्टार्टिंग पॉइंट तो रे में होता है और रे इसमें से कौन सा है, ये वाला है. सो जी डी, रे जी डी हैज़ वन स्टार्टिंग पॉइंट. देन नंबर नाइन, ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द डैश ऑफ द सर्कल. अब जैसे ये एक सर्कल ले लो, ठीक है. अब इस सर्कल के अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से ये जो सर्कल की एजेस होती है वो इक्वी डिस्टेंस पे होती है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे होती है. तो यहाँ जो सेंटर पॉइंट होता है, अब यहाँ से ये डिस्टेंस ले लो या ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो, ठीक है. ये सारे क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. सो आंसर इज सेंटर ऑफ द सर्कल. सो आंसर आ जाएगा सेंटर. देन नंबर टेन, अ डैश ऑफ द सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अब ऐसा कौन सा पार्ट है सर्कल का जो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. तो वो होता है डायमीटर, ठीक है. जैसे कि ये सर्कल हो गया, ये सेंटर पॉइंट, यहाँ से पास होता है डायमीटर, ठीक है. तो डायमीटर क्या करता है, सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. सो आंसर इज डायमीटर. देन नंबर 11, अ डैश हैज़ नो वर्टेक्स. अब इसमें से कौन सा ऐसा हमें दिया हुआ है नेम या पॉलीगॉन ले लो, ठीक है, जिसका कोई वर्टेक्स नहीं होता. तो सबसे पहले ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है, लेकिन इसके थ्री वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है. वर्टेक्स सिंगुलर होता है, वर्टाइसेस प्लुरल होता है. सर्कल, सर्कल एक पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है, और इसका कोई वर्टेक्स होते हैं. यहाँ क्या हमें सर्कल में कोई कॉर्नर दिखता है, नहीं दिखता है, ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा अ सर्कल has no vertex. और quadrilateral में तो फोर vertices होते हैं. Then number 12, two intersecting lines intersect at dash. यानी कि कोई भी दो लाइन intersect कर रही है, जैसे ये एक लाइन हो गई L1, ठीक है, और दो intersecting lines बोला तो एक और ले लेते हैं L2. तो ये कितने point पे intersect होती हैं, one point पे होती है, okay. So answer is one point. यहाँ पे आ जाएगा सर्कल आंसर, यहाँ आ जाएगा वन पॉइंट. देन 13, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड इट्स. अब जो सर्कल होता है, ठीक है, इसका ये जो पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, सर्कमफेरेंस. जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्क्वायर ले लो तो इसके अराउंड जो डिस्टेंस होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है. उसी तरीके से ट्राइंगल, देन रेक्टेंगल, तो इसको क्या बोला जाता है, इस डिस्टेंस को पेरीमीटर बोला जाता है. लेकिन इन केस ऑफ सर्कल क्या बोला जाता है, सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस. देन नंबर 14, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज अ पॉइंट डैश इन इट्स इंटीरियर, इन इट्स एक्सटीरियर, ऑन इट. अब सेंटर ऑफ द सर्कल होता है ये, जैसे कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो ये कहाँ है, सर्कल के ऊपर है, सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है. तो ये पॉइंट जो होता है वो सर्कल के अंदर होता है. सो आंसर इज इन इट्स इंटीरियर, इन इट्स इंटीरियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन ईच क्वेश्चन एंड राइट
इट इन द बॉक्स. ठीक है, अगेन हमें MCQs दिए हैं जिसके 4 ऑप्शंस दिए, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ पे हमें बॉक्सेस में फिल कर देना है. सो नंबर 1 इज अ डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. ठीक है, ऐसे वो कौन सी चीज़ है जिसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट या पॉइंट. तो पॉइंट जो होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. सो आंसर इज डी. ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम पॉइंट. देन नंबर 2, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी कैनॉट बी रिटन एज डैश. अब यहाँ जो ये फिगर हमें दिया हुआ है, ठीक है, एंगल दिया है ए बी और सी, इसको हम किस तरीके से नहीं लिख सकते. ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमें दिया है. फर्स्ट देखो क्या दिया है, एंगल ए बी क्यू. तो एंगल ए बी क्यू इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि क्यू भी एक पॉइंट है. ठीक है, ये वाले आर्म के ऊपर. सो ए बी क्यू तो हम लिख सकते हैं. बी, एंगल ए पी क्यू. तो ए पी क्यू, ठीक है, तो क्या है यहाँ कोई एंगल बन रहा है, ए पी क्यू? नहीं, यहाँ कोई भी एंगल नहीं बन रहा है. ठीक है, देन सी, एंगल पी बी क्यू. तो पी बी क्यू तो लिख सकते हैं. ठीक है, पी बी क्यू यहाँ एक एंगल बन रहा है तो इसका इंक्लूडेड होना बहुत ज़रूरी है. तो पी बी क्यू भी लिख सकते हैं. देन एंगल पी बी सी, पी बी सी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इंक्लूडेड एंगल है. ठीक है, क्या नहीं लिख सकते हम, ए पी और क्यू. सो आंसर आ जाएगा बी, हम इसको एंगल ए पी क्यू नहीं लिख सकते. आंसर इज बी. देन सी, सॉरी नंबर 3, अ पॉलीगॉन कैन नॉट हैव डैश साइड्स. पॉलीगॉन की कितनी साइड्स नहीं हो सकती, 4 हो सकती हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं. ठीक है, या फिर कह लो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, 5 पेंटागॉन की 5 साइड्स होती हैं, 2. क्या 2 साइड का कोई पॉलीगॉन होता है? नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ साइड वाला पॉलीगॉन होता है ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं. ठीक है, जो यहाँ लास्ट ऑप्शन दिया है, यानी कि 3 साइड्स होती हैं, 4 होती है, 5 होती है, 2 नहीं होती हैं. सो आंसर इज 2, यहाँ आ जाएगा सी. Then number four is, if C and D are 2 points on line PQ, then dash. So यहाँ पे हमें बोला है कि line PQ के ऊपर 2 points दिए गए हैं C and D. इस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, line segment PQ is equals to line segment CD, फिर ray PQ equals to ray CD, या फिर line segment पी डी इक्वल्स टू लाइन सेगमेंट सी डी, या फिर लाइन पी क्यू इज इक्वल्स टू लाइन सी डी. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी. ओके, पी क्यू, लाइन पी क्यू इज इक्वल्स टू लाइन सी डी. देन नंबर 3, अ ट्राइंगल हैज़ डैश डायगनल्स. ठीक है, ट्राइंगल्स की ट्राइंगल के कितने डायगनल्स होते हैं? तो यहाँ पे हम ट्राइंगल बनाते हैं. ठीक है, अब ट्राइंगल डायगनल्स कैसे बनाते हैं? दो वर्टेक्स को ज्वाइन करके. ठीक है, दो वर्टाइसिस को ज्वाइन करके. तो क्या यहाँ पे हम ये देखो, यहाँ तो ये दो ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ ये दो ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ ये दो ज्वाइन हो रहे हैं. ठीक है, तो क्या और कोई डायगनल पॉसिबल है? यहाँ पे कोई भी डायगनल पॉसिबल नहीं है. तो ट्राइंगल के कितने डायगनल्स होते हैं? 0 डायगनल्स होते हैं. सो आंसर इज ए. देन नंबर 6, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश डायगनल्स. क्वाड्रिलेटरल की कितने डायगनल्स होते हैं? तो यहाँ मैंने बना लिया ये क्वाड्रिलेटरल. अब इसके डायगनल्स कितने हैं? देखो, 1, 2. ठीक है, इससे 2 से ज़्यादा कोई भी डायगनल पॉसिबल नहीं है. सो आंसर इज सी. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के होते हैं 2 डायगनल्स. देन नंबर 7, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, इट्स डायमीटर इज. अब देखो, रेडियस हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, तो उसका डायमीटर क्या होगा? तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है. ठीक है, सो 2 इंटू 6 कर लो, क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर. सो आंसर इज बी. देन नंबर 8, इन अ सर्कल ऑल द डैश आर नॉट इक्वल. ठीक है, अब बोला है कि सर्कल के अंदर कौन सा वाला पार्ट है जो इक्वल नहीं होता है. जैसे कि सेमी सर्कल तो इक्वल होते हैं. ठीक है, सेमी सर्कल यानी कि सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, सो वो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं. देन डायमीटर्स भी सेम होते हैं. ठीक है, वो सेंटर से ही पास होते हैं, वो भी सेम होते हैं. कॉर्ड्स, देन रेडियाई भी सेम होते हैं. ठीक है, एक कॉर्ड वाला पार्ट जो है, जो कि सर्कल के हम किसी भी पार्ट से बना सकते हैं. अब जैसे कि ये मैंने जो बनाया है, ठीक है, ये छोटा लग रहा है, लेकिन ये वाला कॉर्ड जो है इसका डिस्टेंस बड़ा है. ठीक है, इसका जो लेंथ है वो बड़ा है, इसका लेंथ छोटा है. तो एक कॉर्ड ही है जिसके जो लेंथ्स होते हैं वो उसमें वेरिएशन हो सकता है. ओके, सो आंसर इज सी, कॉर्ड. कॉर्ड्स, सो आंसर इज सी. Now question number 9, P is a point on the circle having center M, then M
पी इज इक्वल्स टू डैश. अब बोला है कि पी एक पॉइंट है ऑन द ऑन अ सर्कल हैविंग सेंटर एम, यानी कि एक सर्कल बना लो सबसे पहले तो, ठीक है, उसमें एम एक सेंटर है, ठीक है, और बोला है पी इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है. अब यहाँ पे कहीं पे भी आप पी बना सकते हो, ठीक है. तो एम और पी जो है वो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट एम पी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको हम बोलेंगे रेडियस. ओके, सो आंसर इज डी. देन नंबर 10, इफ़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल देन इट्स लेंथ इज डैश ऑफ द सर्कल. अब इसमें बोला है कि सर्कल का कोई कॉर्ड है जो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है. अब सेंटर से जो पास होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है डायमीटर, लेकिन यहाँ पे एक कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है. तो उसका लेंथ क्या होगा, लेस देन द रेडियस, लेस देन द डायमीटर, मोर देन द रेडियस, मोर देन द डायमीटर, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा कि लेस देन द रेडियस भी हो सकता है, ठीक है, रेडियस से ज़्यादा भी हो सकता है, मोर देन द डायमीटर, डायमीटर से तो ज़्यादा नहीं हो सकता, लेस देन द डायमीटर, लेकिन डायमीटर से कम हो सकता है, ठीक है. ये जो लेंथ है वो डायमीटर से कम हो सकती है. सो द आंसर इज बी, लेस देन द डायमीटर. यहाँ हम लिख देंगे लेस देन द डायमीटर, आंसर इज बी. देन नेक्स्ट इज 11, द रीजन ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्कल. अब यहाँ पे बोला है एक रीजन एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड, जैसे कि ये हो गया कॉर्ड, ठीक है, और एन आर्क, ये वाला पार्ट हो गया आर्क, ठीक है. तो ये रीजन जो एनक्लोज्ड है, यानी इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, तो इस वाले पार्ट को बोला जाता है सेगमेंट. ओके, सो आंसर इज अ सेगमेंट सी. देन नंबर 12, द रीजन ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्कल. अब देखो यहाँ पे हम भी फिगर बनाएंगे. अब यहाँ बोला है रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई, तो दो रेडियस ले लो, ठीक है, ये दो रेडियस हो गए और ये एक आर हो गया. अब ये जो रीजन एनक्लोज्ड है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है सेक्टर. सो आंसर इज अ सेक्टर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, बताना है हमको कि ये सारे स्टेटमेंट्स जो गिवन है वो कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं. नंबर 1 इज एवरी डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इट्स कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नॉट द डायमीटर. अब यहाँ बोला है कि जो भी डायमीटर होते हैं सर्कल के उन सबको कॉर्ड बोला जाता है, तो ये सभी डायमीटर्स को कॉर्ड बोला जाता है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, बट एवरी कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नॉट डायमीटर, लेकिन हर कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोला जाता, इट इज़ ऑल्सो ट्रू. ठीक है, सो द स्टेटमेंट्स इज, द स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, सारे डायमीटर कॉर्ड होते हैं लेकिन सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होते. देन नंबर 2, अ लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स. लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं? नो, लाइन के एंड पॉइंट्स ही नहीं होते. ठीक है, वो लाइन जो होती है वो एंडलेस जाती है दोनों डायरेक्शन में. ठीक है, सो यहाँ पे आ जाता है फॉल्स. देन नंबर 3, इफ अ कर्व एंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट इट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व. ठीक है, अगर कोई कर्व एंड हो जाता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये एंड हो गया है, तो क्या इसको ओपन कर्व बोलेंगे? नहीं, यहाँ तो ये एक पॉइंट बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाते हैं. यही स्टार्टिंग पॉइंट है, यही एंड पॉइंट है, तो ये तो एक पॉइंट हो गया ना कि ओपन कर्व. ठीक है, देन नंबर 4, ऑल द रेडियस ऑफ द सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ. सर्कल के जो भी रेडियस होते हैं सारे इक्वल लेंथ के होते हैं? यस, वो सारे इक्वल लेंथ के ही होते हैं. सो आंसर इज ट्रू. देन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ द सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, अब सर्कल के डायमीटर्स बना लो, जैसे कि ये एक सर्कल है, ये सेंटर होगा, अब यहाँ से डायमीटर आप बनाओ. ठीक है, और भी डायमीटर्स बना सकते हैं. ठीक है, तो जो भी डायमीटर्स हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बोला है लेकिन कि डायमीटर ऑफ सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बट दे आर इंटरसेक्टिंग ना एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स. देन नंबर 6, If A, B, C are collinear points, ठीक है, A, B, C क्या है? Collinear points, यानी कि एक ही लाइन पे है.
ठीक है, जैसे कि ये हो गए ए बी और सी, देन रे ए बी एंड रे सी बी आर ऑपोजिट रेस, यस ए बी जो है वो यहाँ इस साइड जा रहा है, ठीक है, और सी बी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो दोनों ऑपोजिट रेस. सो ये दोनों बोला गया है कि ऑपोजिट रे हैं, बट देखो ए बी जो है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में, हम इसको कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम ए लेते हैं तो ये बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसको हम बी ए बी बोल सकते हैं. इन दैट केस क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, सेम गोज विथ सी बी, तो ये दोनों ऑपोजिट रेज नहीं हैं. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. देन नंबर सेवन, अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन, एक रे जो होती है वो लाइन का एक पार्ट होती है, येस yes. अब जैसे कि यहाँ पे बना लो, ठीक है, ये हो गया ए बी, तो ये एक लाइन हम ए बी भी बोल सकते हैं और यहाँ से हम रे भी बता सकते हैं ए बी. ओके, सो रे जो होती है वो लाइन का एक पार्ट होती है. सो आंसर इज ट्रू. देन नंबर एट, पी क्यू एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड लाइन सेगमेंट क्यू आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस. अब एक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया मैंने, जैसे कि मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया पी क्यू आर एस. अब बोला है अपोजिट साइड्स, तो देखो पी क्यू आर एस ये अपोजिट साइड हो गई और पी एस और क्यू आर अपोजिट साइड होगी. यहाँ बोला है हमें लाइन सेगमेंट पी क्यू और लाइन सेगमेंट क्यू आर, तो ये अपोजिट साइड नहीं हो, ये तो क्या हो गई एडजेसेंट साइड हो गई, क्योंकि आजू बाजू है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है. ओके, नाउ नंबर नाइन, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, की पॉलीगॉन के अंदर डायगोनल्स और साइड्स इक्वल होती हैं, देन नो, डायगोनल्स अलग होते हैं और साइड्स अलग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम ही हो. देन नंबर टेन, ओनली वन पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द सर्कल, यानी कि रेडियस का एक पॉइंट जो होता है वो ही सर्कल के ऊपर होता है, जैसे कि ये हो गया सर्कल, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर आ जाता है हमारा, ठीक है, और ये है रेडियस, तो एक पॉइंट होता है इंटीरियर में, एक पॉइंट होता है ऑन द सर्कल. सो आंसर इज ट्रू. सो हियर वी कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर फोर. इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.